दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला टीवी इंडस्ट्री के एक जाने माने अभिनेता थे, ये बात तो हम सब जानते हैं। और यह अपनी फिट पर्सनालिटी के कारण टीवी इंडस्ट्री में काफ़ी जाने माने थे। वेल, सिद्धार्थ को उनकी एक्टिंग के लिए कई तरह के अवार्ड भी मिल चुके हैं, जबकि टीवी इंडस्ट्री में उन्हें ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ था, लेकिन वह अपनी एक्टिंग के कारण एक चहेता चेहरा बन चुके थे। वेल, हाल ही में एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर आई है, इनका हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया है, जो बीते गुरुवार को कुप्पर हॉस्पिटल में हुआ। वेल, ऐसे में आप में से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो जानना चाहते हैं कि इनका अभी शादी हुआ है या नहीं, अगर हो चुका है तो इनकी पत्नी कैसी दिखती है और अभी वह क्या करती है, और क्या सिद्धार्थ के कोई गर्लफ्रेंड भी है, तो आइए देखते हैं। वेल, सबसे पहले आपको बता दूं कि सिद्धार्थ शुक्ला का जन्म 12 दिसंबर 1980 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। इनके पिता पेशे से एक सिविल इंजीनियर है और परिवार में इनकी दो बड़ी बहनें और माता पिता है। वेल, आपको बता दूं कि मुख्य रूप से इनका परिवार इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और सिद्धार्थ ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। आपको बता दूं कि सिद्धार्थ इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स किए हैं और एक्टिंग में आने से पहले इंटीरियर डिजाइनर बनना चाहते थे, लेकिन एक्टिंग में ज़्यादा स्कोप होने से उन्होंने इस फील्ड को चुना और बहुत तरक्की भी किया। वेल, आगे बढ़ते हुए अगर बात करें इनके वाइफ के बारे में, तो सिद्धार्थ शुक्ला अभी तक अविवाहित है, यानी कि सिंगल है। इनकी किसी से न तो इंगेजमेंट हुई है और न ही शादी हुई है, यानी कि इनकी अभी कोई पत्नी नहीं है। लेकिन हम आपको बता दें कि सिद्धार्थ को कई अफेयर का सामना करना पड़ा था, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला की जिंदगी में कई लड़कियां आई और कई गई, लेकिन जो जगह सहनराज गिल ने सिड के दिल में बनाई वो बेहद ही खास थी। जी हाँ, बहुत कम लोग जानते हैं कि सहनाज गिल एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला से शादी करना चाहती थी। TOI की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब्बू मालिक ने बताया कि सहनाज चाहती थी कि वो सिड को, यानी सिद्धार्थ को, शादी के लिए राजी करे। तो बस दोस्त, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। बाद बाकी आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और बेहतरीन एपिसोड में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को यहाँ तक देखा इसलिए तहे दिल से धन्यवाद।